किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं बारिश है तो क्या कोई काम रुकता है दोस्तों? कोई काम नहीं रुकता। तो मैं आई हूँ अपना काम करने, मंदिर का दर्शन की। अभी यही मेरा रोज़ का, आप बोलोगे कि और कोई काम नहीं, यही है। कबूतर के पास आई हूँ, गौशाला आई हूँ, और दूसरा और क्या काम है दोस्तों? कोई काम इंसान को रोकना नहीं चाहिए। बारिश है तो बारिश आने दीजिए, बारिश का काम है, बारिश तो अपने चला जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों, एक तो सबसे पहली खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, क्या कि 28 से 30 तारीख तक हमारे बीच कौन आने वाले हैं पता है दोस्तों? अरे आप सुनोगे ना दोस्तों तो क्या बताओ, हमारे बीच मैं बता ही देती हूँ आपको, सस्पेंस रखने का क्या मतलब। अनिरुद्ध महाराज जी का प्रवचन चालू होने वाला है। कितने तारीख से? तो 28 से 30 तारीख तक। तो हमारे शहर में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, और हम लोग दर्शन ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है, और साथ में आपको ना कराए ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हैं। और साथ में दोस्तों कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा तो देखेंगे ही देखेंगे। पहले आप लोग अनिरुद्ध महाराज जी का ज़रूर ये देखेंगे सत्संग, और आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखते हैं, अभी कलश यात्रा है, साड़ी एक जैसा पहनेंगे, कलश लेके जाएंगे, और क्या उनका दर्शन करेंगे। सबसे तो खुशी ये बात है कि उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी बने रहिएगा और कोशिश कीजिए उनका प्रवचन सुनने का। अगर पास में है मुंबई वाले तो ज़रूर आइए, दूर वाले हैं तो टीवी पर दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं घर पर जा रही हूँ। इतने बड़े बड़े सत्संग करने वाले अगर लोग मिले तो आप उनका दर्शन करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़िएगा दोस्तों। कहते ना ये सब बहुत सौभाग्य से दर्शन करने को मिलता है। अभी देखिए कबूतर, मैं जा रही हूँ ना तो कबूतर उड़ रहा है, इन लोगों को लगता है कि मुझे परेशान करेगा। देखिए दोस्तों, कलश यात्रा तो आप बहुत देखे होंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का है। चलिए दोस्तों, घर पे मैं आ गई। इतनी बारिश थी कि पूरी भींग गई, आप देखिए कि बारिश कितनी तेज थी, आप देखिए ना दोस्तों। और मैं बैठ के आई हूँ, उस देर बैठ गए इसकी वजह से लेट हो गया, लेट होने की वजह से घर में सारा काम है। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को याद है कि अनिरुद्ध महाराज जी आ रहे हैं तो उनका सत्संग सुनना आप लोग को है 28 से 30 तारीख तक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आइएगा, और क्या करूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय। काम मिलेंगे अनिरुद्ध महाराज का, सत्संग में मिलेंगे। तो फिलहाल आप लोग तैयार होइए 28 से 30 तारीख को। बाय बाय।